हेलो दोस्तों, दोस्तों मेरा नाम है प्रमोद राणा। दोस्तों स्वागत है आपके फिर से अपने यूट्यूब चैनल टेक प्रमोद में। दोस्तों आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं IAS में आए हुए कुछ क्वेश्चनों के बारे में। जैसे जैसे कि आपको पता होगा कि UPSC में काफ़ी कठिन कठिन सवाल आते हैं, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यार, आज के वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर बाद में बेल आइकन को दबा देना, इससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाएगा। दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों यहां पर हमारा पहला सवाल होने वाला है, यहां पर ये, आप अंधेरे कमरे में बंद हैं और आपके पास मोमबत्ती, लालटेन, स्टोव और माचिस की तिल्ली भी है, आप सबसे पहले किसे जलाएंगे? दोस्तों आपके पास टाइम है 5 सेकंड का, आप जवाब दे सकते हैं, वीडियो को पॉज कर देना है। तो दोस्तों इसका आंसर है माचिस की तीली। दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले माचिस की तीली को जलाएंगे, उसके बाद आप लालटेन जला पाएंगे और स्टोव को जला पाएंगे। दोस्तों बस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन ये होने वाला है, वह कौन सी चीज़ है जो पूरे महीने में एक बार आती है और 24 घंटे पूरे होने के बाद चली जाती है? दोस्तों यहाँ पर टाइम शुरू हुआ है आपका। दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर है डेट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डेट है, मुझे ज़्यादा बारीकी से समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गएंगे, कुछ लोगों को तो इसका आंसर पता भी होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या हवाई जहाज़ में भी हॉर्न होता है? जहाँ दोस्तों सोचने वाली बात है कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, कि आपको बताना कि क्या हवाई जहाज़ में भी हॉर्न होता है या नहीं। दोस्तों टाइम आपका चालू हो गया। दोस्तों इसका जवाब है हाँ, जो दोस्तों हवाई जहाज़ में हॉर्न होता है। दोस्तों ये ऐसे नहीं है कि पक्षियों को डराने उड़ाने के लिए, हवाई जहाज़ को हटाने के लिए होता है, ये नॉर्मली होता है यहाँ पर, उनसे संपर्क करने के लिए दूसरे हवाई जहाज़ों से यहाँ पर हॉर्निंग होता है। दोस्तों इसका जवाब है हाँ। अगला क्वेश्चन ये हमारा, हलवाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, इसका आंसर है दोस्तों कन्फेक्शनर। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कन्फेक्शनर, कुछ लोगों को पता होगा इसे इंग्लिश में बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर रहा हमारा लास्ट सवाल इस वक्त, हेयर और डियर में क्या फ़र्क होता है? दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, दोस्तों इसका आंसर है टी, सिंपल से टी इसका आंसर है, क्योंकि इसमें आप अगर हेयर से पहले टी लगा देते हैं एच से पहले, तो यहाँ पर डियर बन जाता है, और इन दोनों में सिर्फ डियर मतलब टी का ही फ़र्क है। यहाँ पर भी डियर बन जाएगा, यहाँ पर भी डियर।